तो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज है 15 मार्च का चार्ट। चलो समझते हैं आज इस मार्केट को एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पे एशियन एंडिंग के अकॉर्डिंगली ट्रेड बना, कहां पे हम लोगों ने एंट्री किया, कैसे एग्जिट किया, क्या हम लोग का पीएनएल रहा, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड लास्ट में आप लोग को प्री मार्केट एनालिसिस की भी दूंगा। आज एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दोनों चीज दूंगा कि कल आप लोगों को मार्केट में किस तरीके से प्लान करना होगा उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट जो है फर्स्ट ओपन मार्केट ओपन हुआ 400 पॉइंट गैप अप मार्केट जो है ओपन किया। ओके, तो जब मार्केट ने 400 पॉइंट गैप अप ओपन दिया तब मेरा प्लान क्या था, मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एफआईबी ड्रॉ करूंगा और एक जो है एफआईबी के लेवल में जो है मैं एक बाइंग प्लान करूंगा। और जब मार्केट इस एफआईबी के लेवल तक आया मैंने जो है बाई किया और आप लोग देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने गलती क्या था, यहाँ पे मेरा गलती ये था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मैं अप ट्रेंड में जो है ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये गलती अब कभी भी मत करना। देखो गलती चाहे मैं करूँ या फिर आप करो, गलती कोई भी करे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम आप लोगों को गलती से सीखना है, जैसे कि मैंने आज गलती किया, इस गलती से हम लोग को सीखना है कि अब ट्रेडिंग मतलब नए नए गलती हम लोग करेंगे, नया नया चीजें हम लोग सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि आज हम लोग को दिखा कि हम लोग गलती किया उसका सजा भी हम लोग को मिला, स्टॉप लॉस हिट करवा दिया मार्केट। तो ये गलती हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। ओके, अगर दोबारा अगर हम लोग के सामने अगर कुछ दोबारा ऐसा मूवमेंट आ जाता है, मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जैसा यहाँ पे हुआ उसको भी हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, तो थोड़ा सा रुको। तो यहाँ पे जो है मेरा एसएल हिट हो गया और अगर देखोगे मैंने मैंने जो है कितना पॉइंट का एसएल लिया, 36 पॉइंट का, यानी कि बहुत ही हार्डली यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया होगा 600 से लेकर 700 के बीच में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। ओके, और उसके आगे मेरे को रिवार्ड कितना था, 137 पॉइंट का, यानी कि 1:4 का जो है मेरे को यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा था। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ कितना छोटा, 700-600 रुपीज का, और प्रॉफिट करता हूँ कितना रुपीज का, 3000, 2000, 2500। ओके, इतना रुपीज का मैं प्रॉफिट करता हूँ। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके मैं चलता हूँ जिस वजह से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो दूसरी चीज, मैंने और एक चीज, मैंने आज दो ट्रेड किया एक्चुअली, और दोनों ही ट्रेड मैंने मतलब इतना बकवास मैंने सोचा और क्या मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैंने फिर से एक डाउन ट्रेड में कुछ यहाँ पे जो है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं लग रहा, मैंने कुछ यहाँ पे जो है बाय करने का सोचा और यहाँ पे भी मेरा जो छोटा स्टॉप लॉस था और ये भी जो है हिट हो गया। बेसिकली ये दोनों ट्रेड आज मैंने किया और इस दोनों ट्रेड में जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों हुआ आप लोगों को पता ही बता दिया कि मार्केट में मैं अगेंस्ट द ट्रेड ट्रेड कर रहा था, दैट रीजन मार्केट में क्या हुआ, स्टॉप लॉस आज मार्केट ने हिट करवा दिया। पर यहाँ पे और एक ट्रेड मेरे को भी दिखा और जो 100% मेरे को पता था कि ये वाला ट्रेड जो सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि ये ट्रेंड का साथ था, ट्रेंड का साथ में चल रहा था, वो वाला ट्रेड था ये वाला ट्रेड। ये जो मूव आया इस मूव को आप लोग कैप्चर कर सकते थे। ओके, ये जो ट्रेड दो ट्रेड मैंने लिया ये तो मैंने बेवकूफी के कारण मैंने ट्रेड लिया। ओके, और ये सेकेंड वाला ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल वालों को भी मैंने रिकमेंड नहीं किया था बाय करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड था। ओके, सो मेरे को रिस्क लेने में थोड़ा सा मजा आता है और मेरा उतना कैपेसिटी है, सो इसलिए मैंने जो है रिस्क उठाया था। उसके बाद अगर देखोगे तो ये वाला जो आप लोग को रैली आया, इस रैली को एक्सप्लेन करते। ओके, सो यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक जो है एफआईबी ड्रॉ करोगे, चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर इस हाई से लेकर इस हाई तक अगर आप एफआईबी ड्रॉ करोगे तो आपको क्या दिख रहेगा, मार्केट इस एफआईबी में आया एंड आने के बाद मार्केट जो है रैली दिया। तो यहाँ पे आके आप लोग क्या कर सकते हैं, एक पी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ है और आप लोग को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। क्यों क्यों क्या मिल रहा है आपको, एफआईबी का नंबर मिल रहा है। ओके, ये सबसे बड़ी बात है। पर ये वाला ट्रेड मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा एक रूल रहता है कि मैं दिन में दो ही ट्रेड करूंगा, ऑलरेडी मैं दो ट्रेड कर चुका हूं। तो ये वाला ट्रेड हालांकि मुझे कितना ही ज्यादा मुझे एक्यूरेसी ज्यादा कितना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील मुझे हो, पर मैं वो ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना जो है मैं अपना रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं आज ट्रेड कर लिया तो कल भी करूंगा, तो ऐसे ऐसे करके मैं आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हूं, पर दो दिन बाद, दो साल बाद जो है मैं प्रॉफिटेबल नहीं रह पाऊंगा अगर मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करूंगा। ओके, तो इसीलिए जो है मैंने ये वाला ट्रेड को मिस कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसा छोटा मोटा लॉस हम लोग को होता रहता है, हम लोग इससे कहीं गुना ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं आज मार्केट में और कल का हम लोग कल को हम लोगों को मार्केट में किस तरीके से काम करना पड़ेगा। ओके, तो सारे लेवल में आप लोगों के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पूरी चार्ट के अंदर आज की अगर चार्ट की बात करें तो कल की चार्ट के अंदर तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, पूरा स्टॉप लॉस जो है कट चुका है और उसका पास में भी ये जो चार्ट है इसका भी इसके अंदर भी कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, सारे के सारे स्टॉप लॉस कट चुके हैं। पर अगर हम लोग आज की
चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया, यानी कि यहाँ पे जो है सेलर का स्टॉप लॉसेस है और क्लोजिंग प्राइस में बायर और सेलर का स्टॉप लॉसेस है, पर बायर का स्टॉप लॉसेस ज्यादा है क्योंकि मार्केट अभी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि सब लोगों ने बेटेस्ट ले किए होंगे किसके बाय करने के लिए। ओके, तो हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है और ज्यादा लेवल भी नहीं है आज की इस मार्केट को, मार्केट में जो भी होगा कल लाइव मार्केट में मार्केट जो न्यू चार्ट बनाएगा उसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे, ज्यादा कुछ लेवल नहीं है। ये होगा बैंक निफ्टी के बाद। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो हम लोगों को दिखेगा कि निफ्टी भी सेम चीज है, निफ्टी के अंदर कोई भी ज्यादा स्टॉप लॉसेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे एक साइकिल ये जो लेवल मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया कल का क्लोजिंग, ये आप लोग जो है ड्रॉ कर सकते हो, और बाकी आज का क्लोजिंग आप लोग ड्रॉ कर सकते हो निफ्टी को आज हाँ ऐसे आप लोग कर सकते हो, और बाकी जो है उतना ज्यादा खास जो है लेवल वगैरह नहीं है। अगर हम लोग देखें तो ज्यादा लेवल वगैरह यहाँ पे नहीं है। ओके, और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे जो है सेलर का स्टॉप लॉसेस है और क्लोजिंग प्राइस में बायर और सेलर का स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉसेस है, यानी कि कहीं ना कहीं सब हर जगह जगह पे सेलर का ही स्टॉप लॉसेस है। और आजकल मार्केट तो काफी ज्यादा गिर रहा क्योंकि आपको पता ही होगा वो US में जो बैंक है उसका काफी खराब टाइम चल रहा है और उसका इम्पैक्ट हर एक मार्केट में पड़ रहा है, सो दैट्स रीजन मार्केट काफी ज्यादा गिर रहा है। हो सकता है कि कल एक्सपायरी हो और कल मार्केट और भी ज्यादा वॉलीटाइल हो और मार्केट कल और भी ज्यादा गिरे, कोई भी पता नहीं। तो आई होप कि आज इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।